हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप देख रहे हैं द फैक्टिफाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट बनियान ट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो भारत में कई विशालकाय वट वृक्ष पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक है द ग्रेट बनियान ट्री। इस विशालकाय वृक्ष को पहली बार देखने में समझ में यह आता है कि ये कोई छोटा सा जंगल है जिसमें हजारों एक जैसे वृक्ष उगे हुए हैं। लेकिन गौर से देखने पर समझ में आता है कि यह तो एक ही वृक्ष है जिसकी जटाएं, जड़ और तने चारों ओर फैल गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा और विशालकाय बरगद का पेड़ है। इसे हर साल देश विदेश से हजारों टूरिस्ट देखने आते हैं। यह बरगद का पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस वॉटनिकट गार्डन में है। वर्ष 1787 में जब इस वॉटनिकट गार्डन को स्थापित किया गया था, उस समय इस बरगद की उम्र 15 से 20 वर्ष के आसपास थी। इस हिसाब से इस बरगद की उम्र लगभग 250 साल से भी अधिक है। इस बरगद को दूर से देखें तो यह एक जंगल की तरह नजर आता है। दरअसल बरगद के पेड़ की शाखाएं से निकली जटाएं पानी की तलाश में नीचे जमीन की ओर बढ़ती गईं, जो बाद में जड़ के रूप में पेड़ को पानी और सहारा देने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बरगद दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ है, जो लगभग 14,500 मीटर में फैला है, जो कि लगभग 4.67 एकड़ है। इसकी 3772 से अधिक जटाएं जड़ का रूप ले चुकी हैं। इस वृक्ष की परिधि लगभग 486 मीटर है। इस बरगद वृक्ष में पक्षियों की 87 अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। वर्ष 1884 और 1987 में आए दो चक्रवाती तूफानों ने इस बरगद को काफी नुकसान पहुंचाया था। 1925 में इस विशाल बरगद की मुख्य शाखा में फंगस लग गया था, जिसके बाद मुख्य शाखा को काटना पड़ा। लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद भी यह बरगद आज शान से अपनी जगह अडिग और अटन खड़ा है। इसकी विशालता को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। इस विशाल बरगद के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 1987 में डाक टिकट जारी किया था और यह बरगद वॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। एवं आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।